सो देर वर टाइम्स वेन माई मॉम यूज टू थिंक कि मैं बाहर जाके मैं शायद शूट पे नहीं जा रही, मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, बिकॉज अ पेशेंट हु इज इन दैट उसके दिमाग में खुद ही कहानियाँ बनी हुई होती कि यार इसका ऐसा हुआ होगा, उसका ऐसा होगा, इसका ऐसा हुआ होगा. सो देर हैव बिन टाइम्स जब मैं घर पर आती थी और मेरी माँ, अपनी माँ ने पकड़ के मुझे बड़ा मारा है, बड़ा मारा है, बड़ा मारा है. ऐसे भी वक्त आए कि मेरी माँ की चूड़ी मेरे गाल पर लग गई थी और मेरे यहाँ से खून निकल रहा होता था और मुझे शूट पर जाना होता था और वहाँ पे पूरा मेकअप टीम पूछ रही होती थी कि क्या हुआ है, एंड मेरे पास जवाब नहीं होता था कि मैं क्या जवाब दूँ उन्हें. बट आई थिंक कि वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था कि आपके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए और आपको झूठ कहना पड़ता है कि यार इस हाँ तरीके से लग गया, उस तरीके से लग गया, जबकि आई थिंक आधी दुनिया को पता होता है कि कैसे लगी है गाल पे. बट दोज वर डार्क टाइम्स, दोज वर रियली डार्क टाइम्स. सो एंड हाउ देर डिड यू इज हैंडल देम? How I handled them, I was going through extreme stress, extreme depression, but एंड कितनी उम्र क्या आती है इस वक्त? 16-17 साल, अच्छा 16-17, मतलब ये वाली चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि शायद मैं 13-14 साल की उम्र से देख रही हूँ. अच्छा सो फॉर मी इट वॉज लाइक कि शायद मुझे रात में नींद नहीं आती थी, जिन चीज़ों से मैं शायद ज़िंदगी में गुजरी हूँ, मुझे होता था कि यार मुझे मम्मी को रात की पैरानोया था कि ये, के पता नहीं क्या हो जाएगा. हाँ रातें मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सोचती थी कि यार कोई वक्त तो होगा ना जैसे मुझे एक सुकून की 2 से 3 घंटे की नींद आ जाएगी. उन चीज़ों से मैं गुजरी थी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता था कि बस अभी कोई आ जाएगा कमरे में दोबारा से, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा. कितनी दफ़ा ऐसा होता था मैम के रात में 4 या 5 बजे मेरी डर से आँख खुलती थी और वो कंटिन्यूसली ऐसे ही रहता था कि मेरी डर से आँख खुल जाती थी, मेरी खौफ से आँख खुल जाती थी. बट वेरी फ्यू पीपल नो इन माई लाइफ. आई टेक ऑफ माई वॉच एंड शो यू. आई हैव दिस टैटू ऑन माई हैंड, इट सेज आलम. सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट ही इज माई बॉयफ्रेंड. आई डोंट नो वाई दे थिंक लाइक दिस, बट ही इज अ डॉक्टर एंड हिज नेम इज डॉक्टर आलम, डॉक्टर मोहम्मद आलम. आई मेट हिम व्हेन आई वॉज 21 years old. सो ही इज द वन हु एक्चुअली टुक मी आउट ऑफ स्ट्रेस, ही इज द वन हु एक्चुअली टुक मी आउट ऑफ डिप्रेशन. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी किस तरह से निकाला, कैसे निकाला, किस किस तरह से उन्होंने मुझे बातें सिखाई कि इसको इस तरह से हैंडल करना, इसको इस तरह से हैंडल सो उस करना. वक्त अब्बू और भाई कहाँ थे? आई वॉज द वन हु वॉज गोइंग थ्रू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी. तबीयत एज इन माई फिटनेस वॉज गोइंग ऑन अ वेरी लो लेवल. तो वहाँ मुझे एहसास हो गया था कि यार द मैक्स आई कैन डू, मैंने वो सब करके देख लिया. मैंने कहा लेकिन ये हो नहीं पा रहा, और इस जगह को सही रखने के लिए मेरा सही होना, सही जगह पर स्टैंड करना हाँ, बहुत. उस वक्त व्हेन अब्बू और जब आप भाई, उस उम्र जिस तकलीफ से गुजर रहे थे, जी तो वो सपोर्ट सिस्टम नहीं बना आपका? वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था मैम, क्योंकि जब लड़की को घर का चूल्हा भी चलाना पड़े तो बहुत हद तक हाथ पीछे ले ले लिए जाते हैं. उसके अंदर कि मैं किसी का कसूर नहीं ठहराऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट मेड मी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. कभी कभार कहा जाता है कि हालात से समझौता कर लिया जाए, कहा जाता है कि यार कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब जिंदगी इतनी छोटी है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ मैं. अ लॉट ऑफ पीपल काइंड ऑफ से के हिना अल्ताफ तो ओ गॉड सच, यू नो, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारी एक सोसाइटी में बोला जाता है. मुझे लगता है कि शायद लड़की को कॉन्फिडेंस ना दिया जाए तो वो जी नहीं सकती, वो जिंदा नहीं रह सकती. मुझे बेसिकली ये कहा जाता था कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, चलो कोई बात नहीं, बट आई थिंक कि अ गर्ल शुड टेक अ स्टैंड इन लाइफ. तो कॉम्प्रोमाइज़, स्टैंड टू व्हाट? यू न्यू योर मदर वाज अनवेल, आई आपकी न्यू योर अम्मी मदर की वॉज तबीयत तो अनवेल, ठीक नहीं थी, बिल्कुल ठीक तो नहीं उनको तो थी, डॉक्टर चाहिए उनको था. डॉक्टर चाहिए था और डॉक्टर ने कहा था कि द डिजीज़ इज़ नॉट क्योरेबल एनी मोर, इट्स नॉट क्यूरेबल एनी मोर. एंड टू टू द डे जब तक मैं घर पे रही हूँ, देर ऑलवेज फाइट्स. वी ट्राई टू डू एवरी थिंग कि किसी तरह से, किसी तरह से, यू नो, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए. बट डॉक्टर ने क्लियरली कह दिया था कि ये कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी शायद 1 से 2 घंटे के लिए, हम और इसको जो भाई प्रोलॉन्ग उस नहीं कर वक्त सकते. भाइयों ने भी डिसीजन लिया कि वो ना देखें और चले जाएं ऑन देयर ओन, समीना, एवरी वन वॉज देयर, हर कोई वहां पे था, लेकिन एक एक ऐसी बीमारी जिसका अब कोई इलाज नहीं है, वो एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है. सो द मैक्स वी कुड डू वॉज बी क्वाइट, द मैक्स वी कुड डू वॉज हैव पेशेंस इन लाइफ. सो दिस इज द मैक्स वी कुड डू. आपको कैसा लगेगा समीना जब आप अपने कमरे में अपनी माँ को बैठा हुआ देख रहे हो 5-5, 6-6 घंटे तक, और आपकी माँ जागी भी हो, जागी भी हो, जागी भी हो, जागी भी, उसको नींद ना आ रही हो, दीवारों से बातें कर रही हो, जागी भी हो, जागी भी हो, जागी भी हो, जागी भी हो, हाउ वुड यू फील? कि आपको पता है कि यार इसका कोई इलाज ही नहीं है, मैं हर डॉक्टर के पास लेगी, इसका कोई इलाज नहीं है. आपका दिल फटने को आ जाता है, आपका दिल फटने को आ जाता है, आपसे काम नहीं होता, आपसे काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता. सो यू जस्ट हैव टू ब्लॉक एवरीथिंग इन योर हेड एंड गो टू वर्क.
इट बिकम्स रियली हार्ड इन लाइफ, इट बिकम्स एक्सट्रीमली हार्ड. लोगों के लिए आसान है बड़ा कहना कब कि कब डिसाइड किया कि अब घर छोड़ दो? 21 या 22 साल की उम्र में. और घर छोड़ के क्या करोगे? आई वॉज ऑलरेडी एक्टिंग. आई हैड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू सपोर्ट माई हाउस, टू सपोर्ट माई मॉम, वट एवर थिंग वॉज हैपनिंग. असल में आई वॉज द वन हु वॉज गोइंग थ्रू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी. तबीयत एज इन माई फिटनेस वॉज गोइंग ऑन अ वेरी लो लेवल. तो वहाँ मुझे एहसास हो गया था कि यार द मैक्स आई कैन डू, मैंने वो सब करके देख लिया. मैंने कहा लेकिन ये हो नहीं पा रहा, और इस जगह को सही रखने के लिए मेरा सही होना, सही जगह पे स्टैंड हाँ. करना बहुत जरूरी है. अगर और वो मेरी काम का भी स्ट्रेस होता काम का है. अलग स्ट्रेस, आप पे डायरेक्टर चला रहा है, आपको लाइंस याद नहीं हो रही, आप 12 बार 1-1 बजे तक काम करें, 12 1-1 बजे तक आप घर पे वापस आते हैं, फिर से एक लड़ाई मच जाती है, फिर से आपको पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को मिल जाती है. कभी कभार ऐसी ऐसी बातें दैट यू आर अ प्रोस्टिट्यूट एंड यू डोंट गो आउट एंड वर्क एंड यू डोंट गो आउट एंड डू थिंग्स लाइक यू आर अ प्रोस्टिट्यूट. हाउ वुड यू फील इफ योर मॉम सेज दिस टू यू? बट यू नो डीप डाउन फ्रॉम योर हार्ट दैट शी इज नॉट सेइंग दिस इन हर सेंसेस. बट समीना वो एक चीज़ आप एक दफ़ा सुनेंगे, 2 दफ़ा सुनेंगे 3 दफ़ा सुनेंगे 4 दफ़ा सुनेंगे, आप ये बात रोज़ रात को नहीं सुन सकते. जब काम से वापस आते हैं यू नीड टू बी इन योर सेंसेस टू गो बैक टू वर्क, यू नीड टू गेट द एनर्जी बैक अगेन. तो मुझे उस वक्त एहसास हो गया था कि यार इस जगह को रखने के लिए सही, मेरा अपना सही होना बहुत ज़रूरी है. सो आई वॉज 21 व्हेन आई सेड दैट आई नीड टू लीव द फैमिली एंड बी यू नो अलोन फॉर सम टाइम. लड़ाई भंडा एक बवाल मचाता घर पे कि यू नो यू हैव टू गेट बैक टू होम एंड आई विल कॉल द पुलिस एंड दिस विल हैपन. आई एम नॉट सेइंग दैट माय फादर इज एन ईविल मैन, ही वाज एन अमेजिंग फादर. बट लड़की का घर छोड़ना हमारे यहाँ समझा जाता है कि घर की इज्जत पे आँच आ चुकी है और अब तो घर की इज्जत पे पता नहीं क्या हो जाएगा. मुझे लगता है कि लड़कियों को एटलीस्ट 1 साल भी ना आप थोड़ा सा उनको मौका दें कि वो अकेले रह के देखें. उनको आप इतनी उनकी रस्सी ना खींचेंगे वो रस्सी टूट जाए. हमारे यहाँ कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं लड़कियों को देखती हूँ कि उनके ऊपर हर तरह की स्ट्रिक्टनेस होती है, हर तरह की पाबंदी होती है, बट वो सारे वो गलत काम कर रही होती हैं जो कि शायद एक एक डिसेंट इंडिविजुअल जिसको फोकस है ज़िंदगी में, करियर पे ज़िंदगी में फोकस होना चाहिए, वो शायद नहीं करते वो सारी चीज़ें. शायद अल्कोहलिज्म में चले आते हैं, ड्रग्स में चले आते हैं, 1000 और चीज़ों में चले जाते हैं. बट वाई नॉट जस्ट गिव योर गर्ल्स अ लिटिल बिट ऑफ चांस? क्योंकि दूर जाना कभी कभी दूर जाना जरूरी भी होता जरूरी है, होता है ताकि आप वापस मुड़ के देख सकें देख सके. और यू नो आप एक रैशनैलिटी के साथ आप यू नो दूर खड़े होके देख सके और आप ये भी देख सके, ले सके हालात का जायजा लेने के लिए एंड एग्जैक्टली और आप ये देख सके कि यार मैंने कहाँ कहाँ से गलती की थी. मैंने भी तो कहीं ना कहीं मैं भी तो कहीं ना कहीं गलत स्टैंड की होंगी. मेरे हमेशा घर वाले तो गलत नहीं होंगे. सो देन देर इज इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे घर वालों का ऑन हो जाता है, खासतौर पर हमारी सोसाइटी में, कि अगर लड़की घर को चला रही है और उसने अगर घर छोड़ दिया है तो शायद अब घर के खर्चे नहीं आएंगे, शायद अब 10,000 और चीज़ें नहीं होंगी. बट आई मेड श्योर कि जब भी मैं घर छोड़ूँ मैं वो हर फर्ज बेटी का निभाऊं जो कि मैं निभाऊं. अगर दवाई से लेके सुई से लेके बिजली के बिल तक भी अगर कोई मेरी सपोर्ट चाहिए, हर लिहाज से सपोर्ट होनी चाहिए मेरी. तो भाई पढ़ रहे थे उस वक्त? माय ब्रदर वाज स्टडीइंग यस, एंड उसके बाद माय ब्रदर ऑब्वियसली गॉट अ जॉब, बट वी हैड टू डू इट बाय लाइक अ टीम. वी हैड टू डू लाइक अ टीम. बट माय फादर वाज वेरी एंग्री. ही सेड दैट आई विल कॉल द पुलिस एंड आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट. अगर मैं चाहती मैं डर के वापस जा सकती थी, लेकिन मैंने अपने वालिद से बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं की. मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं घर नहीं आऊँगी और आपकी ऐसी की तैसी. आई डिडंट डू दैट एट ऑल बिकॉज़ ही इज़ माय फादर एंड ऑफ द डे. अगर आशा अच्छी अंग्रेजी में ही बात कर रही हूँ तो इस वजह से कि उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा था. लेकिन मैंने उन्होंने कहा कि जस्ट गिव मी सम टाइम एंड लेट मी बी अलोन फॉर सम टाइम. 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना. सबसे पहले क्या किया था घर से निकल के? घर ढूंढा था. नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट. घर ढूंढा. तो सो असल चीज ये है कि औरत के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, हालात से लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. यस. अगर वो माशी तौर पर इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, तो फिर वो बड़े बड़े डिसीशन भी ले सकती है. डेफिनेटली. यू नो दैट इज व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेंथ. डेफिनेटली. है ना? और हालात तो होंगे ना, किसी तरह के भी हो सकते हैं. आपका बाप बीमार हो सकता है, आपकी माँ या आपका अपना मियाँ या आपका भाई या बहन. बिल्कुल. तो कोई भी अफ्ताद आ सकती है, कोई भी मुश्किल वक्त आ सकता है. बिल्कुल. तो बहुत जरूरी है ना, बहुत ज्यादा. इसीलिए तुमने सोचा कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, समवेयर इन योर माइंड. या माय ब्रदर यूज्ड टू से दिस टू मी के
ऐसे किसी से शादी नहीं कर लेना, और जब शादी कर लेने से पहले ना पाँव पे खड़ी हो जाना कि पैसे वैसे तुम्हें तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, ताकि अगर कोई कभी कोई लड़का करे तो तुम बोलो कि यार तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताती हूँ. बट आई टू बी लाइक आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 17 18. मैंने कहा ये मेरा भाई मुझे क्या पट्टियाँ पढ़ाता रहता है यार हर वक्त, मतलब मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी. बट नाउ व्हेन आई एम आई हैड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट नाउ व्हेन आई लुक अराउंड पीपल डू से दैट ओ या शादी बहुत ज़रूरी है, जो कि डेफिनेटली होगी हमारे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हर रिश्ते में औरत को बड़ा दबाया जाता है, चाहे वो शौहर हो जाए चाहे वो बेटी हो जाए. मुझे लगता है कि हमारे लोगों को थोड़ा सा अपनी बेटियों पे, बीवियों पे, खवातीन पर थोड़ा सा ट्रस्ट उनको अब दे देना चाहिए. हम नहीं देना चाहते, हम ट्रस्ट देना ही नहीं चाहते, तो दिस इज द रीज़न कि रस्सी टूट जाती है. आप रस्सी को थोड़ी सी ढील तो दें.